सभी को जय श्री राम, राम राम, नमस्कार, शुभ सकाल। और आज ये सेलिंग का तीसरा दिन है और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आज ऐसी जगह से गुजरने वाले हैं, मैं भी उस जगह से पहली बार गुजरने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा स्ट्रीट है और दोनों आजू बाजू में दोनों तरफ एक बढ़िया से आइसलैंड है। क्या उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छा नाम है उनके, तो उस स्ट्रीट का भी नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं पहली बार इस स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले दो स्ट्रीट देखे हैं और ये तीसरा स्ट्रीट है जिससे मैं गुजरने वाला हूँ। तो मुझे खुशी है कि आज आपको बताने के मतलब कौन से स्ट्रीट है ये, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आज का जो वीडियो बनाते वक्त। तो आज का वीडियो खास होने वाला है वैसे। और अभी मैं उठा हूँ सुबह 6 बजे, अभी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके मैं अभी बैठा हूँ। अभी 7:30 बज चुके हैं और 15 मिनट बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं ब्रिज पर जाने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगा कि कौन से स्ट्रीट से मैं गुजरने वाला हूँ, आजू बाजू में क्या है, आज का मौसम कैसा है, और आज क्या है एडवेंचर देखने को मिलेगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो देखते रहिए, चलो मैं जाता हूँ ब्रिज पर, अभी ड्यूटी ज्वाइन करनी है मुझे। और जैसे ब्रिज पे जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है सामने का दृश्य। तो मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रिज पे। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और फाइनली हम उस चैनल से गुजर रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं सामने, एसटी जॉर्जियस चैनल इसका नाम है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरफ आपको दिख रहा है ये है न्यू ब्रिटेन आइसलैंड, जो कि आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा दूर है, बट ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। उसके जो पर्वतरंग जो है पहाड़ियाँ है वो दिख रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ तो बहुत ही नज़दीक है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये है न्यू आयरलैंड, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस तरफ मौसम भी बहुत अच्छा है इसका। और ये डोर एक्चुअली मैं खोल नहीं सकता, इस तरफ से बहुत हवा ज़्यादा बह रही है तो इसी वजह से आपको इधर से ही देखना पड़ेगा उसको। तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य है इस तरफ न्यू आयरलैंड, ये है न्यू आयरलैंड है इस तरफ। तो अभी जो हम गुजर रहे हैं वो चैनल है एसटी जॉर्जियस चैनल, जो कि आप देख रहे हैं मेरे सामने। मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो है ये है एसटी जॉर्जियस चैनल, और इस तरफ है न्यू ब्रिटेन, और इस तरफ है न्यू आयरलैंड, और ऊपर की तरफ है साउथ पैसिफिक ओशन। आप देख सकते हैं इधर पैसिफिक ओशन लिखा है, इस तरफ चार्ट के उस तरफ पैसिफिक साउथ लिखा होगा, साउथ पैसिफिक ओशन है ही ऊपर। तो यहाँ पर हवा तेज़ होने का एक कारण हो सकता है कि ऊपर साउथ पैसिफिक ओशन है, और जैसे कि साउथ पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है इसलिए वहाँ से जो हवा आती है और वहाँ से जो पानी का बहाव सीधा आता है वो इस चैनल में आता है, जो कि एसटी जॉर्जियस चैनल इसका नाम है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इधर थोड़ी हवा भी 25 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से है, और समंदर थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि ऊपर से आने वाला पानी सीधा इस चैनल में आता है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन से सीधा आता है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं न्यू आयरलैंड, और दूसरी तरफ है न्यू ब्रिटेन। तो ये एक्चुअल में पहले यहाँ पे ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, तो इसीलिए यहाँ के आयरलैंड कैसे नाम है। आपको नाम सुन के तो ऐसा लगा होगा कि ये कहीं अंग्रेज़ों के तो देश नहीं है, मतलब यहाँ पे अमेरिकन पीपल नहीं रहते, ब्रिटिश पीपल भी नहीं रहते, बट यहाँ पे जब ब्रिटिश कॉलोनी थी तब उन्होंने यहाँ के नाम रखे हुए हैं वैसे। तो अभी ये जो न्यू ब्रिटेन है और न्यू आयरलैंड है, तो ये अभी पापुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, पापुआ न्यू गिनी के ये अंडर आते हैं ये। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो इस तरफ थोड़े बादल है, ब्रिटेन आइसलैंड आपको दिख रहा है, और इस तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य है, हवा तेज़ है इसलिए आवाज़ नहीं आ सकती मेरी ठीक से। ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हम
सुबह जब आया मैं 8 बजे ब्रिज पे, तो बारिश का मौसम था थोड़ा बहुत और सारे बादल जम चुके थे, धूप नहीं निकली हुई थी इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं वीडियो, और जब धूप थोड़ी सी निकल आएगी तो अच्छा वीडियो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरफ है न्यू आयरलैंड, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बाद में, 4 बजे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये चैनल का आगे का कैसा दृश्य है और आगे क्या वेदर का ये रहता है रिपोर्ट। तो अभी आप देख सकते हैं इस चैनल से हम गुजर रहे हैं, एसटी जॉर्जियस चैनल है इसका नाम। वेदर थोड़ा सा ख़राब है बट ठीक है, कोई बात नहीं। वक्त बज रहे हैं सुबह के 11 और हम चैनल क्रॉस कर रहे हैं जैसे कि मैंने सुबह बताया, और दोनों तरफ तो आइसलैंड है। जैसा कि अभी देख रहे हैं हम ये चैनल है, तो चैनल मतलब मैं आपको बता दूं कि चैनल मतलब एक साथ वहां से बहुत ज़्यादा शिप क्रॉस कर सकते हैं। तो चैनल से बड़ा होता है और कैनल, चैनल और कैनल में फ़र्क होता है। कैनल एक्चुअल में छोटे होते हैं जैसे कि पनामा कैनल, स्विस कैनल, तो उसमें से एक बार में कम से कम शिप जा सकते न्यू ब्रिटेन। तो न्यू आयरलैंड और न्यू ब्रिटेन के बीच में जो जगह है उसको चैनल इसको नाम दिया गया है। तो ये नाम सारे ब्रिटिशों ने दिए गए, मुझे ऐसा लग रहा है ये नाम सुन के तो ऐसा ही लगता है। जैसे हमारा इंडिया का नाम पहले भारत था, तो उसके अंग्रेज़ों ने उसका नाम इंडिया कर दिया, तो ऐसे ही शायद यहाँ पर रहा होगा। इसके नाम जो इसके ओरिजिनल नाम है ये अलग होंगे शायद। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये दृश्य है एसटी जॉर्जियस चैनल पर जो अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बहुत घना जंगल है। घना जंगल मीन्स बहुत, आप जैसे जुमांजी मूवी में देखते हैं वैसे सेम घना जंगल है, और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। मैंने अभी देखा बायनाकुलर से तो इधर एक छोटा सा गाँव दिखा मुझे, छोटा सा गांव है वहाँ पे जो कि मैंने बायनोकुलर से देखा, और बाकी सारे जो बादल उसके ऊपर देख रहे हैं आप पहाड़ों के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य है जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यू आयरलैंड। और ये है मुलेम आइसलैंड, इसका नाम है, छोटा है आइसलैंड, और उसी के बराबर ठीक उस तरफ है न्यू ब्रिटेन के जो दो तीन आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही है। कर रहे हैं क्रॉस ये चैनल, तो अभी सुबह के 11 बजे है, थोड़ी देर में मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी और उसके बाद मैं 3 या 4 बजे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि चैनल का आगे का जो हिस्सा है वो कैसा है, चैनल का आगे का जो क्या दृश्य है आगे में, और जो कि इसको चैनल को पार करते हैं हम आगे
मोलुकासी में पहुंच जाएंगे। मोलुकासी के बगल में ही साउथ पैसिफिक ओशन है। ऐसे अलग अलग समंदर मिलेंगे हमें ये ट्रैवल करते हुए, ये जो यात्रा करते हुए। तो आज यात्रा का ये तीसरा दिन है सेलिंग का, और हम गुजर रहे हैं इस चैनल से। तो मैंने ये मेरा तीसरा चैनल है, जैसे कि मैंने पहला चैनल देखा था वो है अपना सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में का जो क्या बोलते हैं उसको, मलाका स्ट्रीट हो गया, बाद में मकासार स्ट्रीट हो गया, जो कि इंडोनेशिया के जावासी के आगे लगता है, वो मकासार स्ट्रीट हो गया। वो भी चैनल बढ़िया है, वो अपना मलाका चैनल भी बढ़िया है। उसके बाद ये मैंने तीसरा चैनल है मेरा जो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस चैनल पे से। और चैनल में ट्रैवल करते हुए बहुत ही मज़ा आता है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत ही बढ़िया सा एडवेंचर देखने को मिलता है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एडवेंचर है। थोड़ी सी धूप निकली हुई है, अभी 11 बजे है। सुबह जब मैं 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर रहा था तब थोड़ा बारिश का मौसम था, बादल बारिश के थे, पर थोड़ी देर में जैसे 10:30 बज गए वैसे धूप थोड़ी सी निकल आई थी। अभी थोड़ी सी तेज़ धूप हो गई है, बट जब धूप निकलती है तो जो आइलैंड है वो क्लियरली दिखते हैं आपको, और जब बारिश का मौसम होता है तो आप उसको क्लियरली नहीं देख पाते। यही होता है बारिश के मौसम में आपको सारा मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देता जो भी है। तो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं ये है चैनल के पीछे की तस्वीर, जो कि सोलोमन्स की है पीछे, और उसी के ठीक हमें क्रॉस करते हुए आगे बढ़े और इस जॉर्जियस एसटी जॉर्जियस चैनल में हमने एंटर किया था। तो जैसे कि इस तरफ ही देख सकते हैं आप, जो आपको आइसलैंड दिखाई दे रहा है मोरेम आइसलैंड, वो बहुत ही घना जंगल है, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं है। और ऐसा है दृश्य, इस तरफ थोड़े से बादल दिखाई दे रहे बारिश के आपको, और इस तरफ अभी धूप निकली है। और ये है न्यू आयरलैंड जो कि आप देख रहे हैं। आपको जैसे पता है मैंने कि ये पापुआ न्यू गिनी के अंडर आते हैं, पहले शायद ये ब्रिटिशों के अंडर आते होंगे, बाद में ये पापुआ न्यू गिनी के हो गए हैं, ऐसा मुझे अनुमान है मेरा। तो आप देख सकते हैं अभी का दृश्य चल रहा है इस चैनल में से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि हम जिस चैनल से गुजर रहे हैं उस चैनल को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ है, मैं है ये एसटी जॉर्जियस चैनल, जैसे आप देख रहे हैं ऐसा होता है चैनल। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चैनल ऐसे प्रकार के होते हैं, जो कि दोनों तरफ से लैंड एरिया होता है और बीच में से समंदर होता है, उसको हम चैनल कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ अभी तो समंदर शांत है, पानी ज़्यादा ख़राब नहीं है, समंदर लहरें भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसी वजह से अभी आगे का मौसम हम ये नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ख़राब हो सकता है समंदर आगे का, कितना रफ सी हो सकता है। तो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि 4:30 बजे क्या दृश्य है आगे का। जैसे हम अभी टर्न लेने वाले हैं, बेस्मार्क सी में एंटर करने वाले हैं। बेस्मार्क सी को लगे ही थोड़ा आगे तो वो साउथ पैसिफिक ओशन है। तो अभी देख सकते हैं आप इस तरफ ये है न्यू जॉर्जिया, और उस तरफ है मुलेम आइसलैंड, जो कि इस जो सामने आप देख रहे हैं आइसलैंड, उस पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। इतने नारियल के पेड़ हैं, मैंने आज तक इतने नारियल के पेड़ कभी नहीं देखे, उतने नारियल पेड़ इस आइलैंड पे है। जैसे मैं बाइनोक्युलर में देख रहा था पहले, तो मैंने देखा कि बहुत सारे नारियल के पेड़ है वहाँ पे, बीच है, लोग छोटी छोटी बोट में पानी में दिखे मुझे। तो अच्छा दृश्य दिखा आज, आज का तीसरा दिन भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा शुरुआत अच्छी हो गई। तो आप अभी के दृश्य देख सकते हैं, 12:30 बज चुके हैं और हम चैनल पार करके आगे निकल रहे हैं। चैनल के बराबर बीचों बीच है हम अभी इस वक्त। तो इस वक्त इस तरफ देख सकते हैं आप, जो कि पहाड़ों के ऊपर पूरे बादल दिख रहे हैं आपको, जो कि सफ़ेद कलर के बादल है इस तरफ।
और ऐसे जो चैनल होते हैं ऐसे चैनलों में आपको ज़्यादातर व्हेल फिश या डॉल्फिन शार्क बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिश देखने को मिलते हैं ऐसे ही चैनल में। मैंने पिछली बार आते हुए जो हम मकासार स्ट्रीट जो चैनल है वहाँ चैनल उस चैनल से गुजर रहे थे तब मैंने वहाँ पे देखी थी जो व्हेल फिश बड़ी व्हेल फिश देखी थी मैंने। और अभी यहाँ पे मैंने दो तीन डॉल्फिन भी देखे बड़े बड़े, तो अभी तो वो दिखाई नहीं दे रहे बट वो है इस एरिया में है बहुत बड़े बड़े डॉल्फिन है जो कि मैंने देखे। और इस तरफ लोग रहते हैं जो ये आइलैंड दिख रहे हैं आपको उस तरफ लोग रहते हैं। और तो अभी का ये है मौसम, अभी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है आप देख सकते हैं जैसे कि अभी इस वक्त थोड़ी सी धूप निकली हुई है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस वक्त बज रहे हैं इवनिंग के शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त और बाहर का क्या दृश्य है वो भी देखेंगे हम। तो अभी सुबह जब ड्यूटी ख़त्म हो गई तो मैं आके थोड़ा जो लंच है किया और बाकी जो स्टडी थी थोड़ी सी जो रीडिंग बाकी थी एक जो वॉल्प लेसन की बुक है वो पढ़ रहा था मैं क्या नाम उसे द सी वॉल्फ उस बुक का नाम है वो मैं पढ़ रहा था। वो वैसे समंदरी जो नाविक है उन पर ही आधारित है उन पर ही निर्भर है वो बुक जो कि मैं पढ़ रहा था। उसमें बहुत कुछ समझ में आया मुझे जो कि इंग्लिश बहुत डीप है उसमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है बट ठीक है जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे मुझे समझ में आएगा। तो मैं उसका मतलब अभी चौथा पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे पढ़ते रहना चाहिए हमें जो कि नॉलेज मिलता है कुछ ना कुछ। तो आज अभी तो 6 बज चुके हैं तो देखेंगे हम बाहर का क्या दृश्य है। फॉरवर्ड स्टेशन पे नहीं जा पाया था तुरंत बारिश आ गई थी तो आज जाएंगे हम फॉरवर्ड स्टेशन पे और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आगे से कि कैसे दिखता है जो सब कुछ। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी हम उस जो न्यू ब्रिटेन आइसलैंड है वहाँ से गुजर रहे हैं। चैनल हमने 4 बजे के आसपास ही कंप्लीट कर चुके थे तो अभी 6 बज चुके हैं और इवनिंग का समय है दिन ढल जाएगा थोड़ी देर में। तो सीमेन लाइफ में इसे बहुत सारे जो एडवेंचर है वो देखने को मिलते हैं जैसे कि सनराइज सनसेट वो तो कॉमन है हर रोज़ देखने को मिलता है वो बट अलग चीज़ें भी होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है काम करते वक्त। जैसे कि हम एक शहर में किसी ऑफिस में जब काम करते हैं तो हमें हर रोज़ वही काम करना पड़ता है जैसे कि सीमेन लाइफ में ऐसा नहीं है। सीमेन लाइफ में आप एक जहाज़ पर जाओगे तो जहाज़ पर बहुत अलग अलग सारे जो जॉब है वो मिलते हैं आपको करने को चांस मिलता है जैसे कि कार्गो ऑपरेशन हो गया बाद में मोरिंग विंच का हो गया स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग हैंडलिंग का हो गया तो वेल स्टीयरिंग हैंडलिंग का। तो ऐसे अलग अलग सारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं सीमेन लाइफ में जहाज पे। तो इस वक्त मैं फॉरवर्ड स्टेशन पे जो आप देख रहे हैं ये मोरिंग विंचेस है मोरिंग लाइन है एंकर के 2 चेन है इस तरफ स्टारबोर्ड और इस तरफ पोर्ट का एंकर तो 2 एंकर है और बाकी का जहाज़ तो चल रहा है अभी कंटिन्यू। और इवनिंग का समय है इस तरफ आप देख रहे हैं अभी भी जो सुबह मैंने दिखाया था न्यू आयरलैंड वो अभी भी दिख रहा है और यहाँ
पार्ट का नाम है टर्बोस बाव, जो कि आप देख रहे हैं। टर्बोस बाव जो है आगे पानी के आगे होता है, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको टाइटेनिक पॉइंट भी कहते हैं हम, जो कि टाइटेनिक मूवी में आपने तो देखा ही होगा, वो कपल जहाँ पे दोनों रुकते हैं आगे की जगह पे, तो वही जगह होती है जो टाइटेनिक। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो जगह होते हैं जहाज पे, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और ये जो है ये इसको हम मोरिंग सॉरी बिट्स कहते हैं, इसको बोलार्ड्स कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं जहाज पे, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं उसको। अभी आप देख रहे हैं इस तरफ है पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बादल भी है उसके ऊपर थोड़े बहुत, तो ऐसा मौसम के 6 बज चुके हैं। और ये बुलबोस बाव अब पानी को चीरते हुए आगे निकलता जा रहा है। अभी हमारा स्पीड होगा लगभग 9 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से जहाज चल रहा है, और हवा भी वैसे तो तेज है। और ये आप मूरिंग लाइन देख सकते हैं, नई मूरिंग लाइन है, ये बहुत ही बड़ी है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है ये। तो इसका बहुत महत्व होता है मोरिंग लाइन का, जो कि बहुत सेफ्टी रख के करना पड़ता है सब कुछ। और अभी देख सकते हैं आप ये जहाज चल रहा है पानी में से। और तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को फॉलो करें। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो मैं बनाता रहूँगा, जो कि जहाज पर हो या कहीं पर भी दूसरे जगह मुझे एडवेंचर दिखे तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो इस वक्त हम चल रहे हैं जो चैनल क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और मोरू बसी में थोड़ी देर में एंड हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो